तो क्या लिखा इस वक्त है एक और गेम प्ले वीडियो में आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार्फ सिमुलेटर 2023 बट इट मोबाइल एडिशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने कार शोरूम के आगे, स्क्रैच शॉप के आगे एक बहुत ही लग्जरी कार खड़ी है। मैं लग्जरी तो नहीं कहूँगा, काफ़ी एंटिक कार आप कह सकते हो। ये एक बहुत ही ओल्ड वर्जन है लैम्बोर्गिनी का, काफ़ी सही लुक है, प्योर वाइट है। और पीछे का स्पॉइलर देखो भाई कितना ऊपर उठा हुआ है, और इंटीरियर आप देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो आप इस, क्योंकि नॉर्मल कार के मुकाबले इसकी जो जो ग्लासेस हैं वो काफ़ी काफ़ी बड़े हैं। जैसे कि सुपर कार में आपने देखे होंगे थोड़े अच्छे छोटे होते हैं, जैसे ये देख सकते हो आप, ये थोड़े छोटे हैं लेकिन काफ़ी सही है। ये अपने मैक्लारेन P1, इससे भी काफ़ी सही अमाउंट में ख़रीदा था हमने। लेकिन अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो पता होगा कि इसके बदले हमें अपनी पुरानी वाली कार बेचनी पड़ी, जो कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये काफ़ी सही लग रही थी उसके मुकाबले, तो मुझे लेना पड़ा। खैर, मैं इसे बेचने से पहले एक ड्राइव तो बनती है इस पर, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो हमने मैक्लारेन से ड्रिफ्ट लगवाई थी और काफ़ी सही भाग रही थी। तो अभी देखते हैं लैम्बोर्गिनी कितनी तेज़ है, कैसे लेके चलते हैं ट्रैक पे। और मैं बता रहा था मेरी जो पुरानी कार है सुप्रा, मुझे उसे बेचना पड़ा क्योंकि अपने पास अमाउंट ना था नहीं कि मैं दो कारें हैंडल कर सकूं, और अभी भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा अमाउंट सिर्फ इस लैम्बोर्गिनी पे लगाया है, तो सोलेंगे भी उतना ही। लेकिन इसे बेचने से पहले अपन इसे देखने वाले कितना पावर है इसमें। एक तो इसे पीछे चढ़ाना बहुत प्रॉब्लम है, लो चढ़वा दी, आगे से चढ़ा नहीं सकती क्योंकि इसका जो ये थोड़ी टच है होती है, डाउन टू अर्थ कार है, लेकिन ठीक है, देखते कितनी तेज़ भागती है। पिकअप ये नॉर्मल कार से थोड़ा सा स्लोप कर पकड़ती है, इंजन उसका उतना तेज़ है नहीं, लेकिन ड्रिफ्ट की बात करूँ तो वो यहाँ पर टेस्ट करेंगे अपन। तो देखते कितनी तेज़ भागेगी है। ओ भाई साउंड, और देख रहे हो अभी आपने देखा होगा कि जो कार होती है काफ़ी फिसल जाती है यहाँ पे आने के बाद, लेकिन ये कार जो ये देखो ये नहीं फिसल रही है ज़मीन, ये बड़ी सीधी हो जा रही है, बस एक ड्रिफ्ट के मोड में जाती है, मतलब सीधी हो जा रही है। लेकिन नॉन आपने देखा होगा पहले जो मतलब कार लेके आया था मैं, वो बिल्कुल स्लिप होके चली जा रही थी। ये देखो, ये मेरे ख्याल से इसके जो टायर हैं मुझे चेंज कराने पड़ेंगे क्योंकि ये ड्रिफ्ट वाले टायर नहीं हैं, लेकिन स्पीड तो बहुत सी पकड़ रही है। लेकिन ड्रिफ्ट जब लग रही है तो इसकी स्पीड कम हो जा रही है, लेकिन रेस तो मैं पूरी दे रहा हूँ। देखो ये थोड़ी टूट गई, इसकी हेडलाइट्स काफ़ी ओल्ड वर्जन की है, लेकिन मतलब काफ़ी ओल्ड टाइम की है, लेकिन अगर देखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है। देखो स्ट्रेट भगा रहा हूँ तो बहुत तेज़ पकड़ रही है स्पीड, लेकिन देखो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है क्योंकि इसके जो टायर्स हैं वो वैसे हैं नहीं, ड्रिफ्टिंग वाले नहीं है। ओके तो सीधा भगाता हूँ, और ये देखो सीधी हो जा रही है बिल्कुल, लेकिन ड्रिफ्ट तो बहुत सही लग रही है इसमें बहुत सही लग रही ड्रिफ्ट, बस थोड़ी सी और बड़ी जगह होनी चाहिए थी। खैर सामने भी भगाता हूँ इसे मैं, ओ ये देखो ये तो बहुत सही ड्रिफ्ट लगी, चलो देखो ड्रिफ्ट तो काफ़ी ठीक लग रही है इससे, और कार के मुकाबले जैसे मैक्लारेन हो गई या फिर लैम्बोर्गिनी या सुप्रा, तो ये जो कारें हैं जब मैं यहाँ पे ऐसे टर्न लेता हूँ तो ये जो कार है ना पूरी फिसलती ही चली जाती है, पता नहीं क्यों पूरी स्लिप करते हुए चली जाएगी और ठुक जाती है। लेकिन ये कार देखो, ये देखो ये मैं ड्रिफ्ट मार रहा हूँ ये सीधे जा रही है, इस कार इस मतलब जो ग्रिप है ये काफ़ी सही पकड़ रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल से नहीं पकड़ पाती है, उनके टायर को पता नहीं कौन से रेसिंग ट्रैक वाले आई थिंक लग रखे हैं, टायर पता नहीं शायद निकाल लेते हैं चेंज करवा देते हैं। खैर मार्केट में काफ़ी से तरीके मतलब काफ़ी अलग अलग तरह की कार्स हैं जो ठीक दिखती हैं, लेकिन ये कार मुझे काफ़ी सही लगी। आपने देखा होगा बाकी जो शोरूम्स के आगे जो है काफ़ी सही सारी कारें मतलब खड़ी रहती हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि मतलब एक कार लेंगे तो उन सभी के मुकाबले एक कार लें, तो अभी सिर्फ दो कारें हैं जो कि काफ़ी सही अमाउंट में मैंने निकाली हैं। अगर मैं इस कार के बदले
अगर मैं ओडी या बीएमडब्ल्यू लूँ तो लगभग 4 से 8 गाड़ी तो आ ही जाएंगी। उन 4-8 गाड़ी के मुकाबले ये गाड़ी और ड्रिफ्ट तो ठीक लग रही है इसमें, लेकिन इसकी स्पीड देखो, पिकअप काफ़ी तेज़ है इसका, पिकअप बहुत तेज़ है इसका, पिकअप होना चाहिए गाड़ी बस, और जो कि है इसमें। और ये देखो ड्रिफ्ट तो बहुत सही लग रही है, स्मूथ, बहुत सही ड्रिफ्ट लग रही है। कंटेनर आगे पीछे कर रखे हैं, एक एंगल में रखनी चाहिए थे बस, उनसे कभी कभार टप जा रही है, वरना देखो ये काफ़ी सही लग रही है ड्रिफ्ट इससे। क्या आगे मैं बोल तो रहा था ड्रिफ्टिंग कार नहीं है, लेकिन ले है, ड्रिफ्ट तो है भाई, काफ़ी सही लग रही है ड्रिफ्ट। एक और लगाते हैं यहाँ पे, ओ ये देखो काफ़ी सही लग रहा है देखो, लेकिन ये सीधी गुजारी है पता नहीं क्यों, इसके टायर थोड़े मॉडिफाई कराने पड़ेंगे तब जाके शायद लगे सिर्फ से ड्रिफ्ट। और यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे दोबारा आ गया अपन, थोड़ी कस्टमाइजेशन चाहिए इसमें, लेकिन अभी तो रिपेयर का भी कॉस्ट चाहिए मुझे, क्योंकि जितना अमाउंट मैंने लगाया काफ़ी सही अमाउंट लग गया इसमें, और अपने पास इतना अमाउंट है नहीं ऐसे। खैर यहाँ पे मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है, अभी देखते हैं इसका कितना जाएगा, क्योंकि जितने मैंने ख़रीदा मैं सोच रहा हूँ इसके 2 गुना या 3 गुना अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई ये लंबोर्गिनी है और इसकी जो ब्रांडिंग है मार्केट में वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। और ये मेरे ख्याल से कस्टमाइज थोड़ी हो रखी है, क्योंकि इसका स्पॉइलर आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ऊपर है नॉर्मल, जैसे आपने जो अब की बुगाटी, जो अब की मतलब लंबोर्गिनी सारी हैं उनका जो स्पॉइलर है बिल्कुल बिल्कुल कार में ही रहता है, स्पीड पकड़ने के बाद वो पता नहीं ऑटोमेटिकली उठ जाता है, लेकिन इसका जो स्पॉइलर आप देख रहे हो ये काफ़ी ओल्ड वर्जन का है, तो मेरे ख्याल से ये स्पॉइलर शायद कस्टमाइज है, क्योंकि इतना ऊपर तो नहीं होना चाहिए था कुछ। जो आपने इस कार की मतलब पुरानी आपने सुपर कार्स देखी होंगी वैसी लग रही हैं हेडलाइट्स, मतलब ये कस्टमाइज नहीं है, ये तो पहले से ही थी। और यहाँ पे अपनी मक्लैरन खड़ी है, मेरे ख्याल से एक और कार अपने को लेनी चाहिए जो कि सेंटर में लगा है तो और भी सही लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका अमाउंट कितना जाएगा। सिर्फ $10,000 पड़े अपने पास, तो आप खुद सोच लो कितना लगाएं। अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा मैंने कितना अमाउंट लगा दिया इस पर, तो मैं आपको दिख रहा होगा मैं बोलूँ क्या, तो अभी जितना मैंने लगाया और जितना रिपेयर कॉस्ट किया है एटलीस्ट मुझे ख्याल से इतना तो मेरे जाएगा ही जाएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो इतना तो हाँ इतना तो आराम से जाएगा ही जाएगा। देखो मैं कंफर्म कह रहा हूँ इतना आराम से जाएगा। और यहाँ पे मैं ख्याल से 1-0 बढ़ा दिया क्या मैंने नहीं नहीं इतना तो नहीं जाएगा, हाँ अब ठीक है, तो अब सेल पे लगा देते इसे, आई थिंक से कस्टमर इतना तो ले लेगा, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से ये आगे जानी चाहिए तो 36 लाख की डॉलर की एक जो गाड़ी है मेरे ख्याल से सही अमाउंट है ये इसका। देखो आ भी गया, अभी लगाया अभी आ गया भाई कस्टमर, और देखो ये कितना देना है। अब मैं देखो बारगेनिंग कैसे करता हूँ इससे, बिल्कुल 3 अमाउंट निकालूँगा, 3 नहीं दे रहा, काफ़ी शातिर बंदा है भाई है, बारगेनिंग इससे भी आती है, चलो 8 लगाते हैं, 28 लाख ये लो, देख रहो अप्रोक्स 3 के पास पहुंच चुके हम, और अपनी कार को भी काफ़ी सही करना है अपने, लेकिन अभी देख सकते हो अपने को जाना पड़ेगा कार मार्केट, जो कि अभी चाहिए अपने को एक न्यू कार, इंजन में बंद रखता हूँ ताकि पेट्रोल ज़्यादा यूज़ ना हो। और जैसे इसका स्पॉइलर आप देख रहे हो कितना ऊपर है, और ऐसा लग रहा है 2 गाड़ियों के साउंड एक में। ये देखो मैंने ब्रेक मारी कितना फिसल गई गाड़ी, इसी की बात कर रहा था मैं, इसके जो टायर्स है वो थोड़े मॉडिफाई करने पड़ेंगे, और आज जो देख रहा हूँ मैं उतनी सही गाड़ी दिख नहीं रही मुझे, तो मेरे ख्याल से मुझे वापस चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मुझे चाहिए तो एक काफ़ी सही चाहिए, एक ही लें लेकिन काफ़ी सही, जिससे इतना अमाउंट निकले कि काफ़ी प्रॉफिट बैठे, यानी कि 4-7 गाड़ी ले आए और बस भरते शोरूम, तो ये नहीं चाहिए अपने को, उन 4-7 गाड़ी के मुकाबले एक गाड़ी चाहिए। और ये देखो फिर से मैनेजर हमारा खटारा कोई गाड़ी लेकर आ गया है, ये ब्लैक कलर की कोई लोकल गाड़ी लग रही है मुझे,
ओडी है क्या? नहीं, ओडी या बी एम लग रही है, BMW चल के देखते रेट कितना है। ये लैरकर एक्स पता नहीं कौन सी है। ये तो देखो मार्केट में भाई अब क्या है ना कि काफ़ी लोकल ब्रांड्स आ गए हैं, कॉपी करने लगे हैं। अब देखो लोकल ब्रांड्स कॉपी ब्रांड्स में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो बात ऐसी है कि कोई एक जो वैसे कि आप मार्केट में जाओगे तो देखोगे कि एक ऐसी कार जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है, तो वो कहेंगे कि ये न्यू ब्रांड है। नहीं तो न्यू ब्रांड नहीं है एक्चुअली, वो सेकेंड हैंड लेते हैं, उसे कस्टमाइज़ कराते हैं और उसे न्यू ब्रांड के ज़रिए बेचते हैं। और आपने देखा होगा जितनी भी कारें मैंने ली हैं उसमें नंबर प्लेट नहीं है, और नंबर प्लेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड कार है। अब नंबर प्लेट के साथ तो कोई गाड़ी नहीं बेचेगा, तो नंबर प्लेट तो अपने को खुद लेनी पड़ेगी, और मैंने अभी तक नहीं लिया वो, क्योंकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन लगेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी पेपर वर्क और अमाउंट चाहिए, जो कि मैं अभी नहीं लेने पा रहा। देखते हैं कोई और बढ़िया कार हो, काफ़ी सही कारें आई हैं। ये मस्टैंग आई है और ये फोर्ड ब्रोंको, हाँ बोंक्रो लग रही है, बैंक्रो बोंक्रो, ये भी काफ़ी सही, ये सही नहीं है। देखो मस्टैंग है ये, लेकिन ये कॉपी वर्जन बेच रहे हैं, और कॉपी वर्जन देख रहे हो बिल्कुल सही लग रहा है वो बहू। ये ओडी है, ये तो ये ओरिजिनल है। ओडी और BMW जैसी कारों का भाई कॉपी वर्जन आप बना ही नहीं सकते हैं, ये नहीं पता है मेरे ख्याल से, ये एक में तो दे देगा, नहीं 999 करते हैं, 99,909 में दे गया। ओडी अपनी हो गई, ओडी एक ऐसी कार है भाई जिसे कॉपी आप नहीं कर सकते। और ये देखो इस बंदे, ये देखो BMW लेके आई है, इसे मैंने बोल रखा टेस्ला लेके आई है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी हमें इसी बंदे ने टेस्ला एक्स दी थी, तो वो पहली बार से जब मैंने खरीदी थी, तो भाई काफ़ी सही लगी मुझे, क्योंकि एक तो उसका साउंड जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसे बी जैसे चलती है ना करके साउंड आती है, वैसे चल रही है भाई बिल्कुल साउंडलेस। तो मैंने उससे कह रखा है कि अपने को चाहिए टेस्ला एक्स, और ये देखो मक्लारेन एक्स ब्लैक वर्जन लेके आए, हमने भी ब्लैक वर्जन ही ख़रीदा था, देखते कितने की दे रहे हैं। अरे खरीद तो सकते लेकिन चाहिए नहीं हमें, क्योंकि अपने पास एक है, और एक कार मैं दोबारा नहीं बेचूँगा, एटलीस्ट उतने अमाउंट का कोई और बढ़िया कार बेचना पसंद करूँगा मैं। खैर इसे लेके चलते हैं और बेचते हैं, देखते कितना अमाउंट निकलेगा इससे, काफ़ी सही अमाउंट निकलेगा। और भाई ये देखो अबे मुंह खुला खुला रह गया ओडी देख के, ठीक है देखते कितना अमाउंट दे रहे हैं। ओके 1,90,000 कुछ दे रहे हैं, बट 2 लाख डॉलर और अपनी गाड़ी बिक गई है। देखो एक पे लिया था 99 पे लिया था मैंने, 99,099 पे लिया था, और 2 लाख डॉलर का प्रॉफिट मतलब 2 लाख डॉलर का मार्जिन निकला है, तो मतलब अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 1 लाख डॉलर का हमें अमाउंट जो है प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और मक्लारेन अपने पास इतना अमाउंट हो गया कि मैं मक्लारेन को ठीक करा सकता हूँ, तो लेके चलते हैं इसे। और आप सोच रहे हो कि भाई मक्लारेन डैमेज कैसे हो गई, तो भाई बात ऐसी है कि आपने देखा होगा मैं ड्रिफ्ट पे इसे लेके गया था, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वाले एपिसोड में मैं इसे ड्रिफ्ट पे लेके गया था, और वहाँ पे आपने देखा ही क्या हुआ था, कितनी ठुकी थी ये, और डैमेज उसी का वही हुआ ये। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन अपना गाने सुनते हुए, ओ बेटे 1 लाख डॉलर का देख रहे हो आप कितना, सिर्फ ये सर्विसिंग का गया, ये जो डैमेज अमाउंट था वो गया है 34 है पता नहीं 40 कुछ करके अमाउंट, मतलब 30% या 40% जो कार थी वो डैमेज थी, और उस 30 और 40% जो भी था उसके बदले 1 लाख डॉलर का सिर्फ लग गया इसका रिपेयर। तो मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जितनी महंगी गाड़ी होगी भाई उतना महंगा रिपेयर जाएगा, तो इसकी मेंटेनेंस रखने के लिए भाई अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 2 कार अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो एक एक अगर मैं लेता हूँ तो एक को तो बेचनी पड़ेगी। खैर ये देखो फिर से कोई लोकल गाड़ी लेके आया था, हाँ तो मेरे ख्याल से मुझे रिपेयर कॉस्ट चाहिए, तो 2 कारें पर नहीं चला सकेंगे क्योंकि उसे मेंटेन करना है, डैमेज होगी तो उसे ठीक कराना है, और पेट्रोल का और डेली का ही खर्चा है भाई। मेरे पास और कोई मतलब चारा था नहीं, तो सुपरा को बेचना ही पड़ा अपने को, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, सुपरा तो लेंगे ही, दोबारा लेंगे लेकिन टाइम आने पे।
अभी मैकलेरन लेके चलते हैं दोबारा से कार सेल पे या कहीं कार शोरूम पे, मतलब कार शोरूम से। और यहाँ पे देखो मैं ऑप्शन पे एक बार भी नहीं गया, एक बार गया था बस, लेकिन जो कारें दिखी हैं भाई और जो अमाउंट लग रहे थे, लगा नहीं कि अपने को मार्जिन भी निकलेगा कुछ। तो मेरे ख्याल से कार मार्केट सही है, कार मार्केट सबसे सही है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सही डील मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अपनी थोड़ी बातचीत भी बन रही है। तो क्या, और ये लेकर भी आ गया, देखो मैंने कहा था ना इस बंदे से थोड़ी बात हो रखी है अपनी। बट ये देखो टेस्ला एक्स, इसे बोला था लेके आने के लिए, लेके आया भी है। पहले अपन ने ख़रीदी थी पूरी ब्लैक वर्जन, ये अब ये वाइट एंड ब्लैक। और ये बुगाटी भाई सब तीन की दे रहे हैं, अपने पास एक कम है। अगर ये तीन की जगह एक कर ले तो क्या मतलब देगा? आई थिंक ट्राई तो करना चाहिए अपने को। ओ ये भाई साहब बुगाटी फाइनली भाई बुगाटी शिरोन है ये, और कोई गाड़ी नहीं, सब लोग कर ले। टेस्ला मैंने बोली थी इससे, देखो जुबान के पक्के हैं भाई, तो टेस्ला बोली थी, टेस्ला लेंगे इससे। ये तू भी 999 पे ले, नहीं लेगा ये, इसका अमाउंट थोड़ा तो जाएगा ही जाएगा। देखो इसे पता है गाड़ी का सही अमाउंट क्या है, तो बार्गेनिंग इसे भी आती है भाई। लो भाई एक ये 130,000 डॉलर की गाड़ी टेस्ला, काफ़ी सही लग रही है भाई, वाइट एंड ब्लैक में काफ़ी सही लग रही है। इसके जो हेडलाइट्स हैं वो भी ब्लैक हैं, इसे मैं टो करा देता हूँ। अपनी मैकलेरन बाहर खड़ी है तो इसे भी मैं टो करा दूँगा, अपनी बुगाटी लेके जाएंगे यहाँ से। अब ऐसा नहीं है कि बुगाटी ले ली तो मैकलेरन भेज देंगे, ये शायद हो सकता है। मुझे कमेंट बताना आपकी, आपको मैकलेरन ज़्यादा ठीक लग रही है बुगाटी, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो मतलब एक को तो जाना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इसकी मेंटेनेंस भी चाहिए होगी हमें, मतलब मेंटेन करना पड़ेगा इसे। अगर डैमेज है तो डैमेज ठीक करेंगे, और थोड़े से डैमेज का कितना अमाउंट जाएगा तो आपको ही बताया। इसका डेली का पेट्रोल तो और साफ़ सफाई तो चाहिए ही। तो देखो एक गाड़ी तो रखेंगे, दो नहीं रख पाएंगे, एक तो रखेंगे, तो या तो बुगाटी होगी या तो मैकलेरन। खैर यहाँ पे एक और फिर से कोई लोकल कार लेके आए हैं, खैर से पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सीधा लगाएंगे इस बार। हर बार मैं मतलब सीधी लाके खड़ी कर देता हूँ, उल्टी दिखती है सामने से कार, काफ़ी कूल दिख रहा है भाई बुगाटी। ये कौन सी कार है, ओडी लग रही है मुझे, ये क्या ओडी लेकर आए हैं? खैर अमाउंट उतना है नहीं अपने पास, नहीं ये ओडी नहीं है। देखो ओडी जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉपी वर्जन बेच रहे हैं, तो ओडी का कॉपी वर्जन निकाल दिया भाई बंदों ने। खैर मैकलेरन गए, इसे भी अंदर लेके चलता हूँ फटाफट, क्योंकि अपनी जो टेस्ला है इसे अपने को रिपेयर कराने लेके जाना है। मैकलेरन अभी बुगाटी को मैं लेके नहीं गया हूँ, बुगाटी को सीधा अभी खड़ा कर दिया शोरूम में, क्योंकि उसका जो रिपेयर कॉस्ट है मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे पता है कितना जाएगा भाई। जब मैकलेरन जैसी कार उसके उस मैकलेरन को मैंने हमने एक में लिया था मतलब, तो और इसे हमने तीन में लिया है, तो अमाउंट देखो काफ़ी बड़ा गैप है, और जितने में हमने लिया उससे दो या तीन गुना प्रॉफिट भी निकलेगा। तो ये फ़र्क है लैम्बोर्गिनी और मैकलेरन, दोनों अपनी सही जगह है। ओ भाई काफ़ी कूल लग रही है। खैर यहाँ पे टेस्ला खड़ी है, तो मुझे इसे सबसे पहले रिपेयर कराने लेके जाना पड़ेगा। वो देखो भाई आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही, आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही भाई। खैर लेके चलते हैं इसे रिपेयर, देखते कितना बैठेगा। टेस्ला एक काफ़ी मीडियम रेंज की कार कहूँगा मैं, क्योंकि इतना खर्चा नहीं बैठता इस पर। अगर 50-60% भी हुआ तो उतना तो नहीं जाएगा जितना मैकलेरन का गया है, क्योंकि जितना खर्चा बैठ रहा है मैकलेरन का उतने की तो कार है ये, और फिर इसका भी अमाउंट गया इतना। भाई साहब कितना कितना डैमेज है, नहीं मतलब समझ नहीं आता है भाई ये क्या करते हैं, गाड़ी के साथ करते क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतना डैमेज कैसे है, कैसे इतना डैमेज हो रखा है। खैर यहाँ पर मैं इंटीरियर दिखाता हूँ, ये देखो पीछे दो सीटें हैं, फिर दो सीटें हैं, और आगे दो सीटें, छह सीटें हैं, और वो देखो टैबलेट है। मतलब अगर आपने रियल टेस्ला देखी होगी तो उसमें भी यही है सेम इंटीरियर, मतलब देखो करो कितना रियलिस्टिक है भाई। खैर इसे लेके चलते हैं,
ओ भाई, सिर्फ स्किड करने की आवाज़ आ रही है, जब फिसल रही है गाड़ी, थोड़ी सी हल्की से ड्रिफ्ट लग रही है तो आवाज़ आ रही है टायर की, गाड़ी की तो आई नहीं रही। और ये कोई मर्सिडीज़ लेकर आया कोई, ये तो पूरी रेड है। ऐसी गाड़ियाँ ब्लैक में ठीक लगती हैं मुझे, रेड में तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि कलर चेंज कराने पे भी काफ़ी अमाउंट जाएगा। और ऐसी तो मैं काफ़ी कारें बेच भी चुके हैं, रेड एंड वाइट में, ब्लैक एंड वाइट में, तो मेरे ख्याल से ये उतनी महंगी गाड़ी है नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं इसे नहीं लूँगा और आराम से लेके चलते, इसे सीधी गाड़ी कटूँगा मैं। देखो सिर्फ 3 कार हैं, लेकिन इसका अमाउंट देखोगे तो पता चल जाएगा कितना है। ओ लो, देखो काफ़ी सही लग रहा है लुक, और लुक की क्या बात करें, पहले पहले अंदर चल के ऐसे ही बात कर लेते पहले। ओके, मर्सिडीज़ GS3 है, तुम देख रहे हो, तीनों गाड़ी काफ़ी सही लग रही है मुझे। यहाँ पे है अपनी बुगाटी शिरोन, जिसका अमाउंट आप देख सकते हो $24 लाख की गाड़ी है। ये कितने की है, ये देखो 1,30,000 की टेस्ला एक्स है। मक्लारेन P1 1,92,00,000 की गाड़ी है ये। ये बुगाटी और ये मक्लारेन, इन दोनों में से मैं कोई एक ही रख पाऊँगा, या तो मेरे ख्याल से बुगाटी सही रहेगी या तो मक्लारेन, क्योंकि सर्विसिंग जैसे कि मैंने बोला, इसके रिपेयर कॉस्ट में खर्चा तो बैठेगा ही बैठेगा। टेस्ला तो अपन नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये अपने लेवल की गाड़ी नहीं है, लेकिन अपनी कलेक्शन में मैं सोच रहा हूँ रखने के लिए, एक शोरूम और खोले जिसमें अपनी सिर्फ कलेक्शन रखेंगे उसमें, या मेरे ख्याल से इसी शोरूम के नीचे एक बेस बना दे जिसमें अपनी कलेक्शन रखें। खैर, गेम पे पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।